जय माँ दुर्गा। जैसे कि अभी नवरात्रि का शुभ पर्व है, हम सब माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं, यानी कि शक्ति की पूजा करते हैं, नारियों की पूजा करते हैं, नारी शक्ति की पूजा करते हैं। तो मुझे याद आ गया महिषासुर, ये असुर जिसको माँ दुर्गा ने मारा था। तो हुआ यूँ कि महिषासुर भगवान ब्रह्म की तपस्या में मगन हो गए, उन्हें लगा कि वो वरदान देंगे उन्हें अमृतत्व का। तो हुआ यूँ कि उन्होंने ब्रह्म जी से कहा कि मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। तो भगवान ब्रह्म ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अमरता तो नहीं दे सकता। तो फिर महिषासुर ने कहा कि ठीक है, अमरता नहीं दे सकते, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई पुरुष नहीं मार सकता, कि कोई पुरुष यानी कि मानव, राक्षस या देवता, इनमें से कोई पुरुष नहीं मार सकता। महिषासुर को ऐसा अहंकार था कि उसे कोई नारी नहीं मार सकती। इस अहंकार की वजह से उसका पतन हो गया। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों यानी कि महादेव, विष्णु और ब्रह्म, इन तीनों की एनर्जी से, जो उनकी एनर्जी है उसमें से उत्पन्न हुई, उसमें से जन्म लिया माँ दुर्गा ने, जिन्होंने आगे जाकर महिषासुर का पतन कर दिया और उसका अहंकार चूर चूर कर दिया इस बात का कि उसे कोई भी नारी नहीं मार सकती। तो ये मैसेज है इन दुनिया की सारी नारियों को, इन सारी फीमेल्स को, कि हम कि हमें लगता है कि हम कमज़ोर है सिचुएशंस के हिसाब से, शायद हम डर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि अगर आप पर बुरा वक्त आता है तो आपके अंदर, हम सब के अंदर माँ दुर्गा वास करती है। सिचुएशन के हिसाब से अपनी शक्ति को जागृत कीजिए, लड़िए, बचाइए अपने हमारे स्वयं को। हम कब स्वयं को कमज़ोर ना समझे, हमारे सब के अंदर माँ दुर्गा होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी यानी कि जो हमारे बीच में जो शक्ति होती है वो सिर्फ नारियों में नहीं होती है, पुरुषों में भी होती है। हम सबके बॉडी के अंदर एक भाग में, एक पार्ट में होती है मेल एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी, पुरुष की एनर्जी, और एक भाग में होती है नारी यानी कि फेमिनाइन एनर्जी। तो उन पुरुषों को जिनको अहंकार है कि स्त्रियाँ हमेशा कम होती है या कमज़ोर होती है, अगर आप में से अभी के अभी फेमिनाइन एनर्जी को निकाल दे तो आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो जान लीजिए भाई साहब कि नारियों को कम मत आंकिए, कि आपके स्वयं के अंदर नारी शक्ति वास करती है जिसके बिना आप चल भी नहीं सकते। तो माँ दुर्गा की शक्ति सिर्फ औरतों में ही नहीं, पुरुषों में भी होती है। माँ तो सब जगह होती है, माँ सबके भीतर होती है। तो ये जान लीजिए कि माँ सिर्फ औरतों में ही नहीं, पुरुषों में भी वास करती है। माँ तो हर जगह होती है। तो ये मैसेज उन औरतों के लिए भी है जो पुरुषों को कम आंकने लगी है कि अभी नारी शक्ति के दिन है, हम बहुत ग्रेट है, कि पूरी दुनिया नारियों के साथ है। जी हाँ, नारियों के साथ है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप पुरुषों को कम समझे, कि अगर आप में से भी अगर पुरुष का भाग निकाल दिया जाए तो आप उस एनर्जी को निकाल दिया जाए तो आप भी कमज़ोर ही पड़ जाएंगी। इसीलिए दोनों ही, अगर हम देखेंगे दोनों ही साइड सेम है, तो कोई भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो ये बात सही है, लेकिन आज के ज़माने में जो फेमिनाइन एनर्जी यानी हम कह सकते हैं जो फीमेल्स की जो शक्ति, जो नारी शक्ति में कमज़ोर समझ लिया जाता है, तो उनको कमज़ोर ना समझे। दोनों की दोनों ही पार्ट, दोनों की दोनों ही समान है। और नारियों की रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए। जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं कि यत्र नार्या सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ जहाँ नारियों का पूजन होता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनके घरों में हमेशा संपत्ति बनी रहती है, उनके घर में संपदा बनी रहती है, उनके घरों में रोग वगैरह कुछ नहीं होते। तो नारियों का सम्मान कीजिए, अगर आप उनका सम्मान कीजिए करते हैं तो आपको इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा। तो आपके आसपास की नारियों का सम्मान कीजिए और नारियों ने पुरुषों का सम्मान कीजिए। सब एक साथ मिलकर चलते हैं और खुश रहते हैं। नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएँ, मेरी ओर से सभी को जय माँ दुर्गा।